क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसे हुए उज्जैन के राजा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आप कौन सी जगह पर घूम सकते हो और उज्जैन में रहने की एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, इस वीडियो में हम आपको उज्जैन की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए नजदीक का रेलवे स्टेशन उज्जैन का आता है, या फिर आप इंदौर तक आकर वहाँ से बाय बस उज्जैन तक आ सकते हो। उज्जैन का फेमस पोहा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन करने से पहले सभी भक्तगण क्षिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान करके महाकालेश्वर की यात्रा शुरू करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में अगर आप निशुल्क में भस्म आरती में शामिल होना चाहते हो तो भारत माता मंदिर के पास में काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर आप फॉर्म भर कर भस्म आरती में शामिल हो सकते है। और भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हो तो जलाभिषेक का टाइमिंग 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का होता है। मंदिर के अंदर हम दर्शन कर आ चुके और साधारण लाइन से हमें दर्शन करने में 40 मिनट का समय लगा। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो 4 से 5 घंटे का समय लगता है दर्शन करने में। तो जल्दी दर्शन करने के लिए आप जो बड़ा गणेश जी का मंदिर बना हुआ है उसके पास में ही VIP टिकट काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप 250 में VIP टिकट लेकर जल्द से जल्द दर्शन कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आते ही आपको ये बड़ा गणेश जी का मंदिर नजर आएगा, यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। उज्जैन की नगरी में जो कोई आता है वो श्री राम घाट पर जरूर जाता है, क्योंकि श्री राम घाट से पवित्र क्षिप्रा नदी बहती है और क्षिप्रा नदी के किनारे पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए, और इस जगह पर आप सर्पदोष पूजा एवं पवित्र स्नान कर सकते हैं। श्री रामघाट पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं और ये बोटिंग आपको क्षिप्रा नदी के एक छोटी सी परिक्रमा करवाती है, और बोटिंग का पर पर्सन 30 रुपीज टिकट लिया जाता है। अभी हम आ चुके हैं हर सिद्धि माता के मंदिर में। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर है, और इस मंदिर में होने वाली संध्याकालीन आरती देखने के लिए भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते है, और इस मंदिर में 5 बजे से ही आरती की तैयारियां शुरू की जाती है। और वीडियो में आप देख ही रहे होंगे माता रानी के भक्तगण दीप स्तंभ पर चढ़कर दीप प्रज्वलित करते हैं, और इस मंदिर में आरती का समय शाम के 7 बजे का है। अगर आप उज्जैन की यात्रा पर हो और काल भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो उज्जैन की यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। उज्जैन नगरी से 9 किलोमीटर के दूरी पर काल भैरव जी का मंदिर बना हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसे हुए भैरव जी का स्कंद पुराण अवंतिका खंड के 64वें अध्याय में भैरव तीर्थ का वर्णन है। महाकालेश्वर जी उज्जैन के राजा है और वही काल भैरव जी को उनका सेनापति कहा गया है, और काल भैरव जी के मंदिर के बाहर आते ही आपको ये स्तंभ नजर आएगा, यहाँ पर भक्तगण अपने मनोकामना अनुसार ये सिक्का यहाँ पर लगाते है। अभी हम गढ़कालिका शक्तिपीठ मंदिर में है। यह मंदिर काल भैरव से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है, और उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए। सबसे पहला हर सिद्धि माता जी का मंदिर आता है और दूसरा ये गढ़कालिका माता मंदिर, और कहा जाता है कि इसी जगह पर सती के अंश गिरे थे। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी,
और सम्राट हर्षवर्धन जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। अभी हम आ चुके हैं राजा भर्तृहरि गुफा के पास में, और यह गुफा गढ़कालिका मंदिर से मात्र 10 मिनट के ही दूरी पर है। सबसे पहले हम गुफा नंबर 1 में जाने वाले हैं। गुफा नंबर 1 राजा भर्तृहरि जी की गुफा है, और गुफा के अंदर जाते वक्त आपको बिल्कुल ध्यान से जाना है, क्योंकि यहाँ पर गुफा जमीन के अंदर होने के कारण ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। माना जाता है कि 2500 वर्ष पहले गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसके बाद में राजा भर्तृहरि जी ने 12 वर्षों तक यहीं पर तपस्या की थी, और कहा जाता है गुफा नंबर 1 से 4 धाम के लिए रास्ता जाता है। गुफा नंबर 1 से बाहर आने के बाद आपको गुफा नंबर 2 नजर आएगी। गुफा नंबर 2 राजा गोपीचंद जी की तपस्या स्थल थी, और इस गुफा से जाते वक्त भी आपको संभल कर ही जाना है। भर्तृहरि गुफा से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर क्षिप्रा नदी के बिल्कुल तट पर यह ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। इस जगह पर आपको 600 साल से भी पुराना वट वृक्ष दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर आप अपने स्व इच्छानुसार गौ सेवा भी कर सकते हैं। श्री रामघाट पे हर रोज शाम के 6 बजे क्षिप्रा मैया की पूजा यानी कि आरती का आयोजन किया जाता है। इस आरती का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर भी आप जरूर आना। उज्जैन में रहने के लिए भारत माता मंदिर के पास में महाकालेश्वर भक्त निवास बना हुआ है। यहाँ पर आपको 1300 से लेकर 2000 तक एसी, नॉन एसी, डोरमेट्री ऐसे रूम्स मिल जाएंगे, या फिर आप प्राइवेट रूम्स भी ले सकते हैं, जिसका रेट 600 से लेकर 1000 तक हो सकता है। और मेन मार्केट के आसपास में आपको सारी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। महाकालेश्वर के मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद मंदिर परिसर के बिल्कुल पास में ही महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है, और जितना ये ब्यूटीफुल दिन में नजर आता है उससे कहीं खूबसूरत ये रात के समय में नजर आता है, और 6 बजे के बाद यहाँ की लाइटिंग्स चालू हो जाती है।